चिट्टू मेरा लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ओए ओए यहाँ सब पीले में। ओ चिट्टू, ओ चिट्टू, मैं चिट्टू नहीं हूँ। चिट्टू चिट्टू डैडी, ओ चिट्टू, ओ चिट्टू, ओ इधर आ यार। ओ चिट्टू, ओ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे मेरे मुंह से सच के सिवाय कुछ नहीं निकल रहा। अपनी मम्मी को बोल मुझे छोड़कर नहीं जाए। ऊपर वाले ने मेरी विश कबूल कर दी। तेरी कौन सी विश? अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देकर विश किया कि आप कभी भी झूठ नहीं बोले। लो, इससे अच्छा तो ऊपर वाले से विश कर देता कि तेरे डैडी मर जाए। सुबह से लेकर अभी तक आधी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। बेटे ऊपर वाले से बोल के तेरी विश कैंसिल कर दे, वरना तेरे डैडी जो है ना, हाँ वो चल पड़ेंगे। अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया, अब दिन में तारे कहाँ से लाऊं? अच्छा बंदोबस्त किया तूने मेरे बेटा, चल जा खेल। बाय डैड, खेल। ऐसा हो सकता है? ए वकील, कोर्ट के अंदर जज के सामने तेरे बहुत उल्टे सीधे पैसे थे, बहुत चौड़ा हो रहा था, अभी पतली गली। चल भाई बुला, चल। अबे ओए, कोल्ड ड्रिंक के खाली बोतल के मुड़े हुए स्ट्रॉ, घिसी हुई कोलापुरी चप्पल। ए ये देख, ये देख। अरे सुबह सुबह ब्रांडी मार के कोर्ट गया था कि अपने विटनेस सुना दिए। अरे मेरा यकीन मानिए काला भाई, मुझसे झूठ बोला नहीं जा रहा यार। चुप कर, चुप कर। तू तो इतना बड़ा झूठा है कि माँ के पेट से पैदा होकर पहला रोना भी झूठ मूठ कर रोया होगा। ये वकील, विनोद भाई को कुछ भी हुआ ना, ईमान से इसके अंदर छेचिया ऐसा मुंह खोल के पेपर में की तरह पेट के अंदर नहीं डाल दिया। सूखे हुए छुआरे, बासी उड़द के पापड़, तू क्या मुझे जब देखो गन की हुलपट्टी देता रहता है? भूल गया उस दिन किस तरह से तेरे को मेरी बीवी ने चपाट मारी थी खींच के? दिन में तारे दिखा देते फिर भी सुधरा नहीं, और क्या गन दिखाता रहता? कभी चलाता भी है क्या? चला पहुंचो। राज राज राज, ये क्या करा? हम तेरे वेलविशर हैं यार। अबे क्या क्या वेलविशर भाई? जब देखो तो लॉन्डियों की तरह गन पॉइंट के ऊपर नचाते रहते हो, बोलते वेलविशर हो। मैं बनू क्या वेलविशर? चिल्ला मत बे। जब देखो तो कुत्तों की तरह चिल्लाता रहता है। क्या बोला था उस दिन मेरे ऑफिस में आके मेरे को, हाँ कि 2 गोलियां अंदर डालूंगा, तेरा केस कौन लड़ेगा? बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं है। क्यों उस दिन रात को फोन किया तूने मुझे? मालूम है तेरे चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। इतना भी नहीं पता कि बात कैसे करते हैं फोन के ऊपर। साला ऊपर वाले ने इंसान बना दिया, गधा बनाते बनाते। उल्लू का पट्टा, बगैर सिंह का बैल, 10 कुत्ते पाल रखे अपने बगल में, अपने आप को शेर समझता है। देखो राज भाई, अरे भाई मत बोलो मेरे को भाई, जबान हिला हिला के भाई बोलता रहता है। अबे भाई मान तो मैं मानू, पकड़ नहीं मार डालूंगा साले को। ये क्या करा? छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या करा? पागल हो गया क्या? पागल हो गया? अगर ये मर गया ना तो होगी तेरे भाई को फांसी। तूने सुना नहीं इसने मुझे क्या कहा? अरे यार, इसमें इसका कसूर नहीं है। इस बेचारे का घर टूट गया हमारी वजह से, इसकी बीवी से छोड़कर चली गई, ऊपर से तेरे आदमी इसे गन पॉइंट पे उठा के ले आए। अरे कोई भी पागल हो जाएगा यार। सुन सुन, क्या नहीं किया इसने हमारे लिए। अपने आप को आग तक लगा ली तेरे भाई को बचाने के लिए। ऐसे अपने तरीके से काम करने दे यार। जस्ट गिव मी द गन, यू रिलैक्स, ओके? लेट हिम गो, लेट हिम गो, कम ऑन कम ऑन, लेट हिम गो, रिलैक्स। राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? प्रॉब्लम क्या है भाई? है वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली, मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई, और अब जान भी जाने वाली है। और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार। मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है। तू बैठ, तू इधर बैठ। चल, तुझे लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ चल, तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठी दूंगा। चल पूछ मुझसे। ठीक है तो फिर बता, मेरे बारे में तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं नहीं टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या है तेरी। दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ नहीं दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या है। कुछ और सवाल। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या है तेरी। तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली। और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने एक डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मालूम, तो अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंभे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंभा है साले, खंभा। हेलो, आप बाद में फोन करेंगे प्लीज? सॉरी यार ये सच्ची क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार? नहीं नहीं, मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। फोन दे दे मेरा, बल्कि मुझे तो आज बहुत खुशी है। तू वाकई में सच भी बोल सकता है। काश ये सच बोलने की आदत तुझे बहुत पहले पड़ गई होती, तो इतने बड़े घर में तू अकेला नहीं होता, भाभी घर छोड़ के नहीं जाती, चिट्टू तेरे साथ रहता। राज मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बचा ले अपने टूटते हुए घर को, बचा ले। एक और सच बोलूं मोहन, ये तू ऐसे करता है ना, मेरा दिल करता है कि एक लाफा मारू खींच के तुझे। यार ये क्या करता रहता तू? मास्टर आदमी है एकदम मास्टर। हेलो। हाय डैड, मैंने आज रात को टूटते हुए तारे को देखकर अपनी विश वापस ले ली है। अभी आप फिर से दिल खोल के झूठ बोल सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, अब मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा सच के साथ ही लड़ूंगा। योर ऑनर, माना कि जिस दिन आनंद म्हात्रे का कत्ल हुआ मेरे क्लाइंट मुंबई में थे, पर इससे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने उनका कत्ल किया, क्योंकि आनंद म्हात्रे के जेब से निकली हुई चिट्ठी ये साफ साबित करती है कि उन्होंने खुदकुशी की। योर ऑनर, आनंद म्हात्रे एक लड़ने वाला इंसान था। हालात से तंग आकर आत्महत्या करने वालों इंसानों में से वो था ही नहीं। और डिफेंस के कहने के मुताबिक अगर उसने हालात से तंग आकर आत्महत्या की है तो मैं उन हालातों के बारे में जानना चाहूंगा। योर ऑनर, आनंद म्हात्रे की खुदकुशी करने की वजह थी उसकी बीवी की बेवफाई और बदचलनी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस मेरे क्लाइंट के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। वो एक निहायत शरीफ बेवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर। 1 मिनट माय फ्रेंड। योर ऑनर, आई कैन प्रूव इट। मिश्रा जी, आप मरहूम आनंद म्हात्रे के पड़ोसी हैं? हाँ साहब, 20 साल से मैं उनका पड़ोसी हूँ। तब तो आपको पता होगा उनके घर कौन आता था कौन जाता था। जी हाँ। कोई ऐसा खास आदमी जो उनके एब्सेंस में आता था? हाँ जी आता था। कौन? वो जो पतले से आदमी बैठे है ना वो। हाँ साहब, ये आदमी अक्सर इनके घर आया जाया करता था। किस वक्त? साहब आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, कभी दिन में भी आता था रात में भी आता था। क्या करने आते थे? अब साहब क्या करने आते थे मैं क्या बताऊं साहब, घर का दरवाजा बंद होने के बाद घर के अंदर क्या होता था क्या करता था मुझे नहीं मालूम साहब। और ये जनाब जाते कब थे? हाँ, आनंद भाई के आते ही फौरन निकल लेते थे साहब। हाँ योर ऑनर, ये सच है कि काला रात बिरात आनंद म्हात्रे के घर जाता था, लेकिन इनका घर खाली कराने की धमकी देने जाता था। नो योर ऑनर, ये वाकई आनंद म्हात्रे की बीवी से मिलने जाते थे। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि काला भाई को कटघरे में बुलाया जाए। आ जाता था, प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। एक बात बताइए काला भाई, आपके मिसेस म्हात्रे के साथ संबंध किस हद तक थे? क्या बात कर रहे हो साहब, प्यार की भी कोई हद होती है क्या? यूं समझो कि सारी हदें टूट गई थी साहब। योर ऑनर प्लीज, ये आदमी अपने बॉस को बचाने के लिए घिनौनी हरकतें कर रहा है। अभी रहने दो वकील साहब, क्यों अपन का मुंह खुलवा के किसी औरत की भरी अदालत में इज्जत उछाल रहे हो? अभी जब मुंह खुलवा दिया है तो सुनो, एक लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, उसको बोलो यह औरत के साथ लेडी बाथरूम में जाए और चेक करे। उसकी पीठ पे एक ऐसी जगह तिल है जो बचपन में सिर्फ उसके माँ बाप ने देखा है, शादी के बाद उसके पति ने देखा और रोमांस करते टाइम अपुन ने देखा है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई और दलील कोई सबूत बाकी है? हाँ योर ऑनर है, लेकिन उसे पेश करने के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूं सर। ओके, टाइम इज ग्रांटेड। जब भी ब्रेक लेता है कोई ना कोई कांड करता है, इसमें नजर रखनी पड़ेगी। यार मोहन प्यारे, ये कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। जब तक मैं झूठ की जंग लड़ रहा था तब तक मेरे पास झूठे गवाह और झूठे सबूतों की लाइन लगी हुई थी, और आज जब मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं कितना तनहा और अकेला हो गया हूँ। ओ मेरे भाई, अब अफसोस करने से क्या फायदा भाई। जिस तरह तूने विनोद कालरा को बचाकर पांगे को फंसा दिया, उसी तरह आदर्श ने आनंद के खून को खुदकुशी साबित करके उसकी बीवी को बदचलन साबित कर दिया। अरे भैया, आजकल यही होता है सच की लड़ाई लड़ने वालों के साथ। हो सकता है अपने ये रिपोर्टर रजत का भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, बल्कि उसका मर्डर हुआ हो। I'm sorry, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? मोहन तू रुक में आया। तारा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो हट जाओ मेरे नजरों के सामने से। मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने बूगी बूगी शो करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो अपना कैसेट लेने के लिए आया हूँ। कैसेट? कौन सा कैसेट? अरे वही कैसेट जो उस दिन मैंने तुमको गिफ्ट के अंदर दिया था, उसके अंदर राइटी यही तो राइटी दी थी उसे मैंने। चश्मी, निकलो मेरे घर से, निकलो। अच्छा, पहले तो हमेशा फोन करके पूछती थी कब आओगे कब आओगे, अब घर में आता हूँ तो बोलती कब जाओगे। तुम औरतों की अदा है ना, ऊपर वाला ही बचा है। देखो ये पूरा का पूरा कबर्ड मेरी गिफ्टों से भरा हुआ है। हाँ, इनमें से आधी चीजें भी मैंने अगर अपनी बीवी को दी होती ना तो जिंदगी भर मेरे गाल चूमती रहती, लेकिन नहीं। अरे सड़क के ऊपर से कभी गजरा भी नहीं लेकर दिया मैंने अपनी बीवी को। पता नहीं कहा ये क्या लव लेटर संभाल के रखे हुए, पेट भर भर के झूठ लिखा हुआ मैंने इसके अंदर। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। अरे और देखोगे भी नहीं, मेरे लेवल के लोग बार बार पैदा होते हैं क्या? वैसे एक बात बताऊं, तुमसे प्यार तो बहुत हो गया था मुझे, शादी के चक्कर में भी मैं आ गया था, फिर बाद में मुझे होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बीवी बच्चा तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा क्या? मैं तो साला बेशर्म आदमी। सुनो, पीछे के रास्ते से जाओ। अरे ओ वकील साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कोर्ट? अरे वकील लाइन बदली क्या? अबे तेरे को नुक्कड़ पे पकड़ूंगा। ए स्टार्ट कर गाड़ी। ए वकील की धुन में धागा वो तुम दबा के भागा, वकील की धुन में धागा वो तुम दबा के। अरे वकील, अरे भाई भागने का काम चोर लोग का है, वकील लोग का नहीं यार। ये क्या लगा ला, खड़े रहना, बात सुनना यार। एक बात बताऊं, जब 10 आदमी मिलकर एक आदमी का पीछा कर रहे होते ना तो 10 को इकट्ठा रहना बड़ा जरूरी होता है, वरना क्या होता है मालूम है? मैं अकेला है क्या? अकेले को बहुत मारा रे। हाँ, हाँ, ये मैं दिमाग की जगह हाथ पांव की लड़ा रहा हूं। निकाल मेरी साइकिल। ए साइकिल पे आ गया। निकल दे जाए, पकड़ ले। आ गई तू? ए मेरा मतलब क्या, आ गई तुम? बेशरम। अरे हे, थैंक यू। उफ, तुम लड़कियों की अदाएं, आखिर हम क्यों ना फंस जाए। जल्दी चलो। योर ऑनर, ये अदालत है, कोई टीवी का गेम शो नहीं जहां हर वक्त ब्रेक लिया जाए। और कब तक आप राज मल्होत्रा को ब्रेक देते रहेंगे? मेरी अदालत से गुजारिश है, अब बिना इंतजार किए इस केस का फैसला सुनाया जाए। योर ऑनर, थैंक यू। एडवोकेट राज मल्होत्रा का 1 घंटा इंतजार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अब उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए कोई भी दलील या सबूत बाकी नहीं बचे। लिहाजा अदालत यह फैसला सुनाती है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे, मैं अपने पास मौजूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सर ये क्या है भाई? ये क्या कर दिया आपने? इसको मार डाला। मैंने तो डरा धमका के मकान खाली करने के लिए कहा था, आपने मर्डर कर दिया इसका। इस तरह से मजलूमों को मारते हो तुम लोग। रोक चल वेल डन, थैंक यू। वेल डन राज। पल दो पल का उजाला है झूठ का, पल दो पल का उजाला है झूठ का। अरे काला है जी काला मुंह, काला है झूठ का, काला है जी काला मुंह, काला है झूठ का। राज वाकई में क्या कर रहा है यार? यार पसीना पोंछ रहा था मैं। डिग्निटी नहीं है। डिग्निटी कैसे नहीं है? कमाल आदमी है यार। अरे भाभी भाभी देख रहा हूँ आपकी भाभी आई हुई है, तो क्या नाचू? नाचना आता है। तुम अपनी लाइफ सुधारो पहले। अब इस तरह से मुस्कुरा के देखती रहोगी कि गले भी लगोगी मेरे? ऐसे गले लग रही है जैसे एहसान कर रही है मुझ पर। अच्छा, होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो। कोर्ट है, कोर्ट है। और सुनो, खबरदार जो दोबारा घर छोड़ के जाने की कोशिश की, समझी तुम? अब एक बार शराफत हो गई होगी, आगे मुश्किल। होश करो, होश करो, कोर्ट है, कोर्ट।